साथियों, आज की क्लास में हम हल करेंगे कार्यपत्रक 7 पेज नंबर 7। कार्यपत्रक 7 दक्षताएं 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ना लिखना एवं विस्तारित रूप की समझ बना पाना। पहला सवाल है, अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। हमें पहला है इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार छब्बीस हजार तीन सौ पचास छब्बीस हजार तीन सौ पचास ये शब्दों में लिखा हमने। दूसरा है पढ़ेंगे संख्या को इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार सैंतीस हजार पांच सौ चौसठ लिखेंगे हम सैतीस हजार पांच सौ चौसठ सैतीस हजार पांच सौ चौसठ। तीसरा है अट्ठावन हजार दो सौ नब्बे अट्ठावन हजार दो सौ नब्बे। चौथा है उन्यासी हजार पैंतालीस उन्यासी हजार पैंतालीस। तो ये हमने शब्दों में लिखा। अगला दूसरा सवाल, शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखिए। पहला है पचास हजार छः सौ नवासी पचास हजार छः सौ नवासी। दूसरा है तीस हजार पाँच सौ बानवे तीस हजार पाँच सौ बानवे इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा है अड़तालीस हजार सात सौ बीस अड़तालीस हजार सात सौ बीस। चौदह है छप्पन हजार नौ सौ तीन छप्पन हजार नौ सौ तीन। यहाँ दाई पे कोई संख्या नहीं थी तो हमने यहाँ शून्य लगाया, इस प्रकार से छप्पन हजार नौ सौ तीन लिखा। अगला सवाल तीसरा, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार तेईस हजार सात सौ छियालीस दो का स्थानीयमान बीस हजार तीन का स्थानीयमान तीन हजार सात का स्थानीयमान सात सौ चार का स्थानीयमान चालीस छः का स्थानीयमान छः इस प्रकार से हम इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। दूसरा है छत्तीस हजार चार सौ पिचहत्तर तीन का स्थानीयमान तीस हजार प्लस छः का स्थानीयमान छः हजार प्लस चार का स्थानीयमान चार सौ प्लस सात का स्थानीयमान सत्तर प्लस पाँच। इकाई वाले का वही दाई का सैकड़ा हजार दस हजार। तीसरा है पचास हजार आठ सौ नब्बे पाँच का स्थानीयमान पचास हजार प्लस जीरो का स्थानीयमान जीरो ही होता है प्लस आठ का स्थानीयमान आठ सौ प्लस नौ का स्थानीयमान नब्बे प्लस सात का स्थानीयमान यहाँ सात। चौथा है चौरासी हजार तीन सौ दो आठ का स्थानीयमान अस्सी हजार प्लस चार का स्थानीयमान चार हजार प्लस तीन का स्थानीयमान तीन सौ प्लस जीरो प्लस दो ये इसका विस्तारित रूप। अगला है चौथा, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या लिखिए। इस विस्तारित रूप की हमें संख्या लिखनी है। तीस हजार प्लस पाँच हजार प्लस दो सौ प्लस सत्तर प्लस चार यानी पैंतीस हजार दो सौ चौहत्तर। दूसरा है चालीस हजार प्लस छः हजार प्लस पाँच सौ चालीस और छः छियालीस हजार पाँच सौ ये लिखेंगे छियालीस हजार पाँच सौ। तीसरा है सत्तर हजार प्लस नौ सौ प्लस अस्सी प्लस पाँच तो सत्तर हजार नौ सौ पचासी सत्तर हजार नौ सौ पचासी इस प्रकार से लिखेंगे। चौथा है नब्बे हजार प्लस दो हजार प्लस पचास प्लस आठ नब्बे हजार और दो हजार बानवे हजार अट्ठावन तो बानवे हजार अट्ठावन सैकड़ा पे कोई नहीं था तो हमने शून्य लिखा। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को विस्तृत रूप से संख्या में लिखा। तो साथियों,
आप भी इन्हें समझ के हल कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।